जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरदारपुर क्षेत्र की जनता ने प्रताप ग्रेवाल को विधायक के रूप में एक साल पहले विश्वास जताया था, तो विधायक प्रताप ग्रेवाल भी जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए दिन ब दिन खरे उतरते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं। रोज सरदारपुर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की नई नई योजनाओं का भूमि पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार की योजनाओं के शुरू होने पर जनता को काफी लाभ मिलने वाले हैं, इसलिए सरदारपुर क्षेत्र की जनता में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र के विधायक प्रताप ग्रेवाल ने शासकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से सहयोग से अस्पताल में 30 बिस्तर से बढ़ाकर 50 बिस्तर की सुविधा करवा दी है, ताकि आसपास के ग्रामीणों को इलाज के लिए भर्ती किया जा सके और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। विधायक द्वारा जनता के हित में किए गए इस कार्य के लिए सरदारपुर नगर परिषद द्वारा आज बस स्टैंड पर विधायक का पुष्पमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सरदारपुर नगर परिषद अध्यक्ष महेश भाबर, राजगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष भंवर सिंह बारोड, प्रमोद जैन, भेरू सिंह बगड़ोता तथा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और जनता मौजूद थी। धार मध्य प्रदेश से संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। सच्चा धन, लेकिन अगर अस्पताल में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, साथियों आभारी हूं कि विधायक जी आज क्या कार्यक्रम चल रहा है बस स्टैंड, आज वही इतनी जनता भीड़ है, क्या है? सरदारपुर की सेहत में होगा सुधार, अब होगा सबका उपचार। विधायक जी, जिस प्रकार से आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं, 30 बिस्तर से 50 बिस्तर कर दिए हैं, तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी आप ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं? शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय जीतू पटवारी जी ने राजौंद में एक कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आगे बढ़े और एक इस आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के लिए क्या हो सकता है उसके लिए एक लेवल स्कूल की भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर स्थापित हो, खुले। विधायक जी, अक्सर ये देखा गया है कि जब जब चुनाव आते हैं तब भूमि पूजन होता है, लोकार्पण होता है, आप उसके पहले आप तो काफी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार है जो काम करने में विश्वास रखती है और उसी के ये आदरणीय कमलनाथ जी का नेतृत्व का कमाल है कि मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने खजाना खाली दिया था, उसके बावजूद भी सरदारपुर क्षेत्र को एक के बाद एक विकास कार्यों की सौगात मिल रही है, ये आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व का ही कमाल है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.